हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो संबंधित है हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा के तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला में आने वाले व्यंजन वर्णों की। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने अपने एक वीडियो में चर्चा किया हुआ है हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के बारे में। तो आज का वीडियो व्यंजन वर्णों से संबंधित, हिंदी वर्णमाला पर आधारित। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लर्नर्स और विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसी परीक्षा की जिनमें हिंदी एक अच्छा भूमिका निभाती है, रोल प्ले करती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा हो, MP की परीक्षा हो, राजस्थान की परीक्षा हो, हरियाणा की परीक्षा हो, या फिर हो बिहार की, जिनमें हिंदी आती ही आती है। तो उनमें हिंदी जो वर्णमाला है उससे लगभग 5 या 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उस नजरिए से इस वीडियो का अध्ययन करना, इस वीडियो को देखना प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो उसी नजरिए से मैं HM रॉय रॉयजिक वे के माध्यम से ये वीडियो आपके पास तक प्रेषित कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से। तो यहां हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों की। पहला प्रश्न जो आता है हमारे दिमाग में वो यही कि आखिर ये व्यंजन वर्ण होते क्या हैं। तो इसके बारे में स्पष्ट नजरिया है कि हमारे मुख से ये लंग्स हैं और ये विंड पाइप के होते हुए ये जो हमारी श्वास वायु है वो हमारे मुख से बाहर निकलती है। और जब हम हिंदी के इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, ये जो ध्वनि यहाँ से निकलती है उसमें बोलने में हमें कुछ बाधाएं आती हैं। बाधाएं का मतलब ये है कि जब इसको हम यहाँ से गले से यानी कंठ से उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें बोलने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो एक कंडीशन तो वो है कि व्यंजन वर्ण हमारे मुख से बाधा के साथ उच्चारित होते हैं, निकलते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। दूसरी इसकी पहचान ये है कि जो व्यंजन वर्ण हैं वो स्वर के साथ बोले जाते हैं, स्वर पर निर्भर होते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, आधारित होते हैं। और स्पेशली इसमें अगर हम बात करें तो अ की बात करते हैं, ज्यादातर में अ कनेक्टेड रहता है, उसकी ध्वनि उसका उच्चारण जुड़ा रहता है। हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। तो पहले तो हमने ये चर्चा किया कि आखिर व्यंजन वर्ण होते क्या हैं। अब अगर हम बात करें इसमें तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम संख्या की बात करें, अगर हम नंबर की बात करें, तो निश्चित तौर पर हम ये कह पाएंगे कि हमारे पास 5 ऐसे वर्ग हैं जिनमें प्रत्येक में 5-5 हिंदी के वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, 5-5 है। अगर इनमें से हम चर्चा में लें पहले पहल, तो हम पहले करेंगे क वर्ग की चर्चा। क वर्ग के तहत अगर हम बात करें तो ये हमारा कंठ है, ये हमारा कंठ है, और कंठ के भाग से जो हम अक्षरों को, जिन वर्णों को, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, वो है क वर्ग। क वर्ग के तहत अगर हम बात करें तो वो है क, ख, ग, घ और ळ। तो ये जो 5 व्यंजन है ये कंठ से आते हैं, और जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला। तो यहां से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ये जनरल लाइफ में रियलाइज नहीं होता, बट यदि हम बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक मेथड के साथ, बहुत ही टेक्निकली इसकी चर्चा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा रियलाइज होगा कि यहां पर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं और हम अपनी श्वास को थोड़ा सा इनसाइड लेते हैं, खींच के बोलते हैं क, जैसे खैच। अगर हम बात करें बिल्ली का, खैच, खींच के बोलेंगे खचरोइना, ओहो चौंकिए मत, क्योंकि हम बात यहां बॉलीवुड एक्ट्रेस खचरोइना की नहीं कर रहे बल्कि अमेरिका में आने वाले तूफान की कर रहे हैं जिसका नाम खचरोइना था। तो वे तो हमने ये चर्चा किया क, ख, ग, घ, ळ, ये क वर्ग से संबंधित हैं। तो कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि निम्नलिखित वर्ण किस वर्ग के तहत आता है। तो पहला प्रश्न इसी के लिए आप तैयार रहिएगा, सो है ना। ये जो क वर्ग है ये कहां से आता है, कंठ से। ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित वर्ण या निम्नलिखित व्यंजन हमारे मुख के या हमारे
गले के किस भाग से उच्चारित होता है, तो वो हम उसमें कह रहे हैं कंठ से, है ना, कंठ से उच्चारित होता है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं तालव्य की। ये जो हम हमारा ये कंठ है, इससे थोड़ा सा ऊपर जब हम चलते हैं तो यहां पर हमको मिलता है तालव्य। तालव्य से जो वर्ड कहिएगा या जो व्यंजन कहिएगा जो उच्चारित होते हैं वो है च वर्ग। च वर्ग जो है, च वर्ग से संबंधित जो व्यंजन है वो आते हैं तालव्य से। तालव्य यानी कंठ से थोड़ा सा ऊपर, विंडपाइप से थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं तो यहां पर तालव्य का पोर्शन आता है, है ना। तो वहां से च वर्ग, और च वर्ग के तहत च, च, ज, झ और इया का यूज हम करते हैं। ये ध्वनि यहां से उच्चारित होती है, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब अगला है हमारे लिए मूर्धन्य। मूर्धन्य कहां पर है, तो जो हमारा कंच है उससे ऊपर तालव्य है, और तालव्य से थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं दांतों की तरफ तो वहां पर हमको ये मिलता है मूर्धन्य वाला पार्ट। और मूर्धन्य वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, कठोर होता है, जबकि पिछला भाग हमारा सॉफ्ट होता है, है ना। और ये सबसे अगला भाग जो है टंग के ऊपर का जस्ट, वो भी सॉफ्ट होता है, है ना। लेकिन इस भाग को जिसे हम मूर्धन्य कहते हैं ये थोड़ा टफ होता है, कठोर होता है, इसलिए इस भाग को हम कठोर वर्ग भी कहते हैं या कठोर व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो मूर्धन्य से निकलते हैं इनको मूर्ध वाले हम व्यंजन भी कहते हैं। इसके तहत आते हैं ट, ठ, ट, ठ, ड और ढ का सेंस आता है, साथ में अड़ा का सेंस भी आ जाता है यहाँ पर, जो है ना। तो ये जो पांच है हमारे पास, ये थोड़े टफ है, कठोर है, मूर्धन्य और टा वर्ग से संबंधित है, इनको भी आपको याद रखना होगा। फिर थोड़ा सा आगे जो मूर्धन्य वाला हिस्सा है उससे थोड़ा आगे आते हैं हम, तो जब आगे आते हैं थोड़ा क्या थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास चमकीले सुंदर दंत। दंत है जिनसे जो वर्ग संबंधित है वो है ता वर्ग, यानी दांतों से, दंत से जो वर्ग संबंधित है वो है ता वर्ग। और ता वर्ग के तहत अगर हम बात करें तो कौन कौन से व्यंजन है, तो वो व्यंजन जो हमारे पास है वो है त, थ, द, ध और न है। यानी जब हम हल्का सा दांतों को दबा के बोलते हैं तो, है ना, त, थ, त, थ, द, ध, न, है ना, ये साउंड यहां पर आती हैं जिनके तहत हम यहां पर बात करते हैं, वो है त वर्ग से संबंधित, है ना। अब आगे हम बात करते हैं दांतों के, आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहां पर चर्चा होती है ओष्ठ की। ओष्ठ जिन्हें इंग्लिश में हम लिप्स कहते हैं, ओठ भी कहते हैं, तो यहां से जो उच्चारित होने वाले व्यंजन है वो आते हैं प वर्ग के तहत। प वर्ग ये बहुत ही विशेष अपने आप में, क्योंकि यहां पर अगर आपने अपने ओठों को राउंड करके ज्वाइन नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, तो इन व्यंजनों को बोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अगर आपका मुंह खुला है आ, हाँ, और फिर आप पा बोलना चाहें नॉट पॉसिबल, बट जब इनको ज्वाइन करेंगे तभी इनको प्रोनाउंस कर पाएंगे। जैसा किसी मूवी में कहा गया कि ओठों को करके गोल, सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। तो उस सेंसेस में जब हम बात करते हैं तो पा वर्ग में कनेक्ट करना ही पड़ता है हमको, और इस कनेक्शन के साथ हम बोलते हैं प, प, ब, भ और म का सेंस यहां पर लिया जाता है। ये पांच ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें ओष से लेते हैं हम, लिप्स से लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये पांच ऐसे वर्ग हैं, ये पांच ऐसे स्थान हैं जहां से प्रत्येक रो में देखते हैं हम पांच पांच व्यंजन उच्चारित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखते हैं कि 5 × 5 ये हो जाते हैं 25। तो 25 वो व्यंजन है जिन्हें हम हिंदी में स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख के, हमारे मुख के या हमारे गले के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करके निकलते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो अगर प्रश्न ये आता है कि कितने स्पर्शी व्यंजन हैं, सीधा सा जवाब है 25। इन 25 के अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं जिनके तहत हम बात करते हैं यार, लव, बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं योर लव के सेंस में। योर लव यानी आपका प्यार, आपका प्रिय सिस्टम। तो जिसके तहत हम बातें हैं कि हमें अपनी हिंदी भाषा से, अपने कहीं ना कहीं हिंदी जो हमारी मातृभाषा उसे विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। तो योर लव के सेंस में लेते हैं, ये अंतस्थ है क्योंकि जब इनको प्रोनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे टंग, हमारी जीवान जो है उसके इर्द गिर्द से काफी
स्पर्श होते हैं, काफी चीजें रगड़ और फ्रिक्शन के साथ निकलती हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चार और ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम श, श, स और ह कहते हैं। इनको हम ऊष्म और संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें बोलते समय ऊष्मा निकलती है, इसमें काफी ज्यादा संघर्ष होता है। इसे हम फिजिक्स की भाषा में फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, घर्षण भी कह सकते हैं। तो काफी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इनका नाम ऊष्मीय व्यंजन भी रखा गया है, संघर्षी व्यंजन भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर के यहां हो रहे थे 25 और अब 4 और 4 मिलाकर के हो जाते हैं 8, यानी अब हो गए ये 8, तो टोटल कितना हो गया 33। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन की संख्या है वो 33 ही होती है। अगर प्रश्न आता है कि कितने व्यंजन हैं तो आप कहिएगा 33 होते हैं, और अगर ये कहा जाए कि कुल मिलाकर के कितने व्यंजन हैं तो इन चार संयुक्त व्यंजन को भी हम इसमें जोड़ देते हैं, इनको संयुक्त कहा जाता है क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, वर्णों से मिलकर के बनते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि छ के लिए हमें का प्लस श की आवश्यकता पड़ती है, साथ में ये आ हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि यहाँ हलंत लगाया हुआ है, तो 1, 2, 3 कहीं ना कहीं 3 हो जाते हैं यहाँ पर। फिर अगला है त्र, त्र के साथ में हमें ता और र का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। साथ में अगर हम बात करते हैं ज्ञा का, तो ज्ञा के लिए ज और इया का यूज करते हुए अ को हमने सेपरेट किया हुआ है, और श्री के साथ में श और र का किया हुआ है। तो कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से वर्ण मिले होते हैं, किन किन वर्णों से ये संयुक्त होकर के बनता है, तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यानी पूरे बोर्ड से हमारे साथ में कई प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, तैयार इसके लिए आपको बिल्कुल रहना ही होगा, कमर को कस लेना होगा क्योंकि वक्त अब कम है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा पैट के रूप में आपका इंतजार कर रही हो, तो निश्चित तौर पर हमारे पास 40 डेज के लगभग शेष बच रहे हैं, काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, तो निश्चित तौर पर तैयार रहना ही होगा उसके लिए। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर चर्चा की 33 व्यंजन के बारे में। अब अगर हम इसमें कुछ और चीजों को ऐड कर सकें, जोड़ सकें, तो हम सिर्फ इसमें यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे लिए जो ये पाठ है या र ल व, इसमें जो हमारे पास में या और व है, या और व को हम कहीं ना कहीं अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको हम सेमी वोवेल भी कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, इन्हें सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है। या और व के सेंसेस को इन्हें सेमी वोवेल अर्ध स्वर भी कहते हैं, और इसीलिए इनको, क्योंकि स्वर की भूमिका में भी होते हैं 50%, इनको संघर्षहीन अंतस्थ कहा जाता है, यानी इनमें संघर्ष, फ्रिक्शन, घर्षण कम होता है, ये वाली बात लेकर चलते हैं। और अगर बाकी के दो अक्षरों की बात करें, बाकी के दो व्यंजनों की बात करें जिसमें र और ला है, तो यहाँ पर र को हमने लिखा है लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये पिछली कई परीक्षाओं पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण लुंठित व्यंजन कहलाता है, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए र के रूप में, है ना। और र को लुंठित इसी सेंस में कहा गया क्योंकि जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते समय हमारी चंग थोड़ा सा आगे से टर्न हो जाती है, इस तरह से जब टर्न होती है तो यहाँ पर फ्लैप उत्पन्न हो जाता है, है ना। और फ्लैप का मतलब ये होता है कि हमारी जुबान फड़फड़ाने लगती है, है ना। जैसे अगर हम कहते हैं water, तो जब इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये जगह वॉटर, वॉटर, है ना, वॉटर, वॉटर, तो एक ये जो फड़फड़ाने का सेंस आता है उसी को हमने फ्लैप सेंस कहा है, और उसी के कारण ये लुंठित कहलाता है। फिर यहां बात करते हैं लकी, ल का मतलब जब टंग से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारी टंग के इर्द गिर्द से, अगल बगल से हवा निकलती है, और इसीलिए क्योंकि ये पार्श्व पार्ट है हमारी जुबान के, इसलिए इनको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, आपका जवाब होगा लकी और जोहर, है ना। तो यहाँ पर ये चर्चा हमने किया हुआ है, तो 33 और प्लस ये 4 अब हमारे पास में हो जाते हैं, 4 के साथ में ये हो गए आपके लिए 37। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो व्यंजन हैं जिन्हें हम ड और ढ के रूप में जानते हैं। ड और ढ, ये दो व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो दोहरी भूमिका निभाते हैं, डबल फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, द्वि गुण व्यंजन कहते हैं। द्वि गुण व्यंजन के साथ साथ इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इनकी भूमिका दोहरी होती है, डबल होती है, है ना।
सिंपली हम डा से बना देते हैं डमरू, यानी डा से हमने डमरू वर्ड बना दिया। लेकिन जब इस डा में हमने हल्का सा यहाँ पर एक बिंदु जिसे हम नुक्ता कहते हैं वो लगाया, तो नुक्ता लगने के बाद ये क्या हो जाता है, पढ़ना। अब ये यहाँ पर सेंस बन गया, पढ़ना का सेंस बन गया, पढ़ना जैसे बीमार पढ़ना, गिर पढ़ना, ये वो पढ़ना वाला सेंस आ रहा है। लेकिन जब बात करेंगे हम ढा का, तो यहाँ पर इसका जैसे ढपली है, ढक्कन है, ढकना है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें हम कहते हैं ढकना, ढपली, है ना, ढाल, ढोलक, ऐसे शब्द आते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही इसमें हमने यहाँ पर एक नुक्ता लगाया, तो अब इसका सेंस बदल गया, और अब जब हम इनको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पढ़ाई। अब ये अढ़ा का सेंस बन गया, अढ़ा के सेंस में पढ़ाई हम यहाँ कह रहे हैं, पढ़ाई कह रहे हैं या कढ़ाई कह रहे हैं हम, तो वो एक सेंस में बदल जाते हैं। तो ये दोहरी भूमिका में रहते हैं। इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हम आने वाले कुछ और वीडियोस में करेंगे, है ना। तो अब इस दो को भी हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास हो गया 39। तो अगर व्यंजनों की मात्रा की बात करें, व्यंजनों की संख्या की बात करें कि कुल कितने व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो वो आपके लिए हो गए 39। तो 39 व्यंजन प्लस साथ में हमारे पास अगर स्वर की बात कर ले तो वो 13 होते हैं, तो टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 13 स्वर को ले लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 52। यानी हिंदी वर्णमाला में जो कुल मिलाकर के वर्ण होते हैं वो संख्या है 52। तो ये भी एक प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 आपका जवाब हो जाता है। स्वरों की संख्या अलग से ले सकते हैं हम लोग, है ना, व्यंजन की संख्या अलग से ले सकते हैं हम लोग। तो ये चर्चा आज हमने किया है। अगर आप इस स्पर्शी व्यंजनों के वर्ग को याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए इन सब को, इन सब के पहले जो वर्ग के नाम है उनके अक्षरों को ले लेते हैं, वर्णों को ले लेते हैं, तो ये बन जाता है कचट तप। यानी कचट तप को आप याद रख सकते हैं, ये मंत्र और ये ट्रिकी अप्रोच हो सकती है। इसको जब याद रखेंगे तो ये स्पर्शी व्यंजन आपको बड़ी आसानी से याद रह पाएंगे। तो वेल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो हमने व्यंजन वर्णों से संबंधित था आपको समझाने का सफल प्रयास किया हुआ है। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो भी हमारे बंधुगण हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी लर्नर्स हैं, वो यदि इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन उपस्थित होता है उसको भी आप दबा दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के, स्वरों की तरह जो बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं, पहुंचते रहें, और वो आपकी किस्मत के निर्माण में, तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। हमारे वीडियो आपको निश्चित तौर पर आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाने में सफल होगा, और यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो निश्चित तौर पर आप इस बात को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिएगा, हम समाधान उसका करेंगे बहुत जल्दी। इस वीडियो को आप चाहें तो इसका एक वो भी ले सकते हैं जिसे कहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो वेलकम बैक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। हम मिलेंगे एक और बहुत ही बेमिसाल धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।